आज के वीडियो नंबर सिस्टम में संख्या पद्धति आपको पढ़ाऊंगा और नंबर सिस्टम में आपको क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात करना आपको बताऊंगा। किसी भी क्रमागत संख्या का योग कैसे ज्ञात करते हैं इस वीडियो आपको यही बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। चलिए क्वेश्चन में पहला देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 का योग ज्ञात कीजिए, ठीक है। अगर आप इन सभी संख्याओं को लिख के जोड़ेंगे तो आपको बहुत समय लगेगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सॉर्टी क्या होती है सबसे पहले आपको वो बताऊंगा, ठीक है। कहने एक तरह से सबसे पहले वो कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूँ, फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट बताने के बाद आप इस क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, सिर्फ देखकर माइंड में भी आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए छोटा सा क्या कॉन्सेप्ट है, फिर इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए देखा जाए क्या कॉन्सेप्ट है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है 1, 2, 3, 4, 5 का योग ज्ञात कीजिए, ठीक है। अगर ये देखिए छोटी संख्या, आप इसको डायरेक्ट जोड़ के बता सकते हैं इसका मान कितना आएगा, 2, 1, 3, 3, 6, 4, 10, 5, 15, यानी इनका योग कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। लेकिन अगर ये बड़ी संख्या हो तो क्या करेंगे, मैं आपको उसके लिए ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है। इसमें करना क्या आपको, ठीक है, अगर बड़ी संख्या हो चाहे छोटी संख्या, सबके लिए मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ जो सब में फॉलो होगा, ठीक है। सबसे पहले ये चेक करिए क्या इनके बीच का अंतर समान है क्या, मैं देख रहा हूँ अंतर समान है, एक अंतर है। अगर अंतर समान है तो वो करना क्या, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 कर लीजिए और इनटू संख्याओं से गुणा कर लिया क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो जो मैंने आपसे बोला मैं आपको यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। मैंने क्या बताया आपको, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 कर लीजिए, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 और इनटू क्या करना आपको, संख्याएं से गुणा कर लीजिए, जितनी संख्या है इसमें क्या करिए आप गुणा कर लीजिए, इसमें रख के सॉल्व कर लिया आपको क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। बड़े बड़े क्वेश्चनों पर ये ट्रिक अप्लाई होगी। तो इसमें करना क्या आपको, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 यानी कितना मिल जाएगा, इसको और इसको जोड़े कितना मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा। और 6 का करना क्या, आधा कर लिए, इनटू संख्या से क्या करना, गुणा करना। संख्या कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5 संख्या कितनी है, 5। इसको यहां से डिवाइड कर दिए, 3 बार में कट जाएगा और इन दोनों का आपस में गुणा कर लिए कितना मिल जाएगा, 15 मिल जाएगा, ठीक है। हम देखिए अगर हम लोग डायरेक्ट जोड़ेंगे तो अभी हमारा 15 आंसर आ रहा है, अगर स्ट्रिक्ट से करें तो अभी हमारा आंसर कितना रहा, 15 आ रहा है, ठीक है। तो बेहतर के हम लोग क्या करें, बड़े बड़े क्वेश्चन क्या करें, इसे ट्रिक को अप्लाई करेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखते हैं लोग, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, 1, 3, 5, 7, 9 अगर इसका योग पूछे तो आप क्या कर सकते हैं, ट्रिक से आप निकाल सकते हैं, इसका योग क्या कर सकते हैं आप, ट्रिक से आप निकाल सकते हैं। इसमें करना क्या, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 कर लीजिए, अगर आप इन सभी इनको और इसको जोड़ें कितना मिल जाएगा, 10 मिल जाएगा। 10 का करना क्या, आधा करना, अब इनटू क्या करना, संख्या से गुणा करना है। देखिए कितनी संख्या है, 1, 2, 3, 4, 5 संख्या है, इसमें 5 से गुणा करें, इसको यहाँ से डिवाइड कर दो, 5 बार में कट जाएगा। अब इन दोनों का गुणा कर लेंगे, अगर आप इन दोनों का गुणा कर ले कितना मिलेगा, 25 आपको मिल जाएगा, यानी कितना मिलेगा, 25 आपको मिलेगा। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। तो बड़े बड़े क्वेश्चन हम क्या करेंगे, इसे ट्रिक का अप्लाई करेंगे, इसे ट्रिक को हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो चलिए वापस चलते हैं और उस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन में पहला देखा जाए, अब इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, बहुत ही आसान ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले ये चक्कर इनके बीच का अंतर देखिए समान है, एक एक अंतर है कि नहीं, अगर अंतर समान आप योग के लिए क्या करेंगे, मैंने पीछे आपको क्या बताया, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 कर लीजिए, अगर आप इन दोनों को जोड़े कितना मिल जाएगा, 61 मिल जाएगा, 61 बटा कितना हो जाएगा, अब इनटू क्या करना, संख्या से गुणा करना। तो यहां से देखिए 1 से स्टार्टिंग है और 60 तक है, संख्या कितनी होंगी, 60 होगी, इसमें 60 से आप मल्टीपल, इसको यहाँ से डिवाइड करिए कितने, 30 बार में कट जाएगा। अब इन दोनों का आपस में मल्टीपल कर लिए, अगर आप इन दोनों का आपस में मल्टीपल कर लिए कितना मिल जाएगा, 3, 1, 3 और 3, 6 कितना जाएगा, 18 हो जाएगा, ठीक है। अर्थात आप बता सकते हैं कि 1 से 60 तक सभी संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 1830 हो जाएगा। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो पहला ऑप्शन किसका मैच करा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन में सेकेंड देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 2, 4, 6, 8 इस तरह से डॉट डॉट 80 का योग ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसमें इस तरह से दे दिया और पूछा कि इनका योग पूछा है। तो सबसे पहले ये चेक करिए क्या इनके बीच का अंतर समान है क्या, तो मैं देख रहा हूँ 2-2 का अंतर है। अगर अंतर समान है तो आप क्या करेंगे, योग के लिए, योग के लिए आप क्या करेंगे, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 कर लीजिए, पहली संख्या और अंतिम संख्या जोड़ करके इसका क्या करें, आधा कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद क्या करना, इनटू संख्याएं से गुणा करना। तो यहां से याद रखिए संख्याएं कितनी होंगी और संख्याएं कैसे दिख रही है मुझे, सभी सम संख्याएं दिख रही है, ठीक है। अगर स्टार्टिंग ऐसे रहती, ठीक है, स्टार्टिंग ऐसे रहती तो आप क्या बताते, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से डॉट 80 तक रहता तो आप यहां से बता दे कितनी संख्या, 80 संख्या। लेकिन इसमें देखिए जो विषम वाली संख्या इसको क्या कर दिया, गायब कर दिया, और कैसे संख्या दी आपको, सम संख्या दी। तो आपको ये पता है कि 80 में क्या होंगी, 80 में आधा सम संख्या होंगी, आधा विषम संख्या होंगी। 80 में 40 सम संख्या होंगी और 40 क्या हो जाएंगे, विषम हो जाएंगे, ठीक है।
कहने का मतलब ये कि आधा सम होंगी आधा विषम होंगी। तो यहां से यहां संख्याएं कितनी है, अब आप बता सकते हैं कितनी संख्याएं, 40 है। इसमें 40 से मल्टीपल, इसको यहां से डिवाइड कर दे, चार कितनी बार कट जाएगा, 20 बार में कट जाएगा। अब इन दोनों का आपस में मल्टीपल करें कितना मिल जाएगा, 1640 आपको मिलेगा। ये इसका क्या गया आंसर। तो देखिए कौन सा इसका मैच कर रहा है, 1640, तो डी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है। ठीक है, आपको यह पता है कि 80 में आधा सम होंगी और आधा क्या होंगे, विषम होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन 3 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 2, 4, 6, 8, 10 डॉट डॉट 60 का योग आपसे पूछा गया। ठीक है, अब आप इस क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को अब आप सॉल्व कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताइए इसका आंसर कितना आ रहा है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में जाके बताइए इसका आंसर कितना आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन 4 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 1, 3, 5, 7, 69 यानी 69 का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, कहने का मतलब सभी कैसे संख्याओं को दिख रही है, विषम संख्याएं दिख रही है, और इनके बीच का देखिए अंतर समान है क्या, मैं देख रहा हूँ दो दो का अंतर दिख रहा है, अंतर इनके बीच का समान है। योग के लिए मैंने क्या बताया आपको, अगर इनके बीच का अंतर समान है तो योग के लिए मैंने क्या बताया आपको, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 कर लीजिए। अगर आप इन दोनों को जोड़ें कितना मिल जाएगा, 70 मिल जाएगा, 70/2 हो जाएगा। अब इनटू क्या करना है, संख्याएं से गुणा करना है। ठीक है, तो आपको ये पता करना है कि यहां से यहां संख्याएं कितनी है। ठीक है, तो पता करने के लिए मैं आपको तरीका बता रहा हूं, इससे क्या करें, इससे अगली वाली संख्या ले, यानी इसके बाद वाली जो सम संख्या है आपको वो लेना है। ठीक है, इसके बाद वाली सम संख्या ले लें ताकि आधा करने में आसानी हो जाए। इसके बाद वाली सम संख्या कितनी आ जाएगी, 70 आ जाएगी। अब 70 में आपको यह पता है कि 35 सम संख्या होंगी और 35 क्या होंगी, विषम संख्या होंगी। 35 सम संख्या होंगी और 35 विषम संख्या। ठीक है, इससे अगली वाली संख्या मैंने क्यों लिया, क्योंकि मुझे आधा करने में आसानी हो जाए। ठीक है, इसकी अगली वाली संख्या मैंने 70 ले लिया ताकि आधा करने में मुझे आसानी हो जाए। संख्याएं पता चलिए, ठीक है, आप इसमें क्या करें, 35 से गुणा करिए, यानी कितनी संख्या है, 35 संख्या है। अब इसको यहां से डिवाइड कर दी, कितनी बार में कट जाएगा, ये 35 बार में कट जाएगा। अब करना क्या, 35 का 35 में गुणा करना। ठीक है, अगर आप 35 का 35 में गुणा कर लें कितना मिल जाएगा, 1225 आपको मिलेगा। ठीक है, या आप ये कह सकते हैं कि 35 का क्या करना, आपको स्क्वायर करना है। ठीक है, क्या करना आपको, 35 का स्क्वायर करना है। तो स्क्वायर के लिए आपको ट्रिक बता रहा हूं, ठीक है, और ये स्पेशल ट्रिक जब इकाई कितना 5 हो इसके लिए अप्लाई होगा। ठीक है, स्क्वायर की ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, जब स्पेशल का इकाई 5 हो इसके लिए आपको ट्रिक बता रहा हूँ। करना के जो 5 है इसका स्क्वायर करके आप पूरा लिख लिए, 5 का स्क्वायर कितना मिल जाएगा, 25 आपको मिलेगा। जो 3 दिख रहा है इससे क्या करना है, अगली वाली संख्या लिए, 3 से अगली वाली संख्या कौन सी आ जाएगी, यानी इससे एक अधिक कौन सी आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 4 में क्या करना है, फिर 3 से गुणा कर ले, 4 × 3 कितना जाएगा, 12। इस तरह से आप इससे क्या कर सकते हैं, स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक है, तो वही चीज आप इस तरह से इसे दोनों का आपस में गुणा कर लीजिए, आप इस तरह से स्क्वायर भी कर सकते हैं। ठीक है, जो आपको अच्छा लगे आप उसे फॉलो कर लीजिए। तो देखिए कौन सा उसका मैच कर रहा है, 1225, तो पहला ऑप्शन किसका मैच कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन 5 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 28, 30, 32, 34 इस तरह से डॉटर 80 का योग क्या आती है। ठीक है, इसमें क्या पूछा गया, इन सभी संख्याओं का योग पूछा गया। तो सबसे पहले ये चेक करिए क्या इनके बीच का अंतर समान है क्या, तो मैं देख रहा हूँ कितने का अंतर है, 2-2 का अंतर है, सभी में कितने का अंतर है, 2-2 का अंतर है। अगर अंतर समान है तो योग कैसे निकालेंगे आप, करना क्या को फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 कर लीजिए, इन दोनों को जोड़ लीजिए कितना मिल जाएगा, 108 मिल जाएगा, 108/2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब इनटू क्या करना है, संख्याएं से गुणा करना, तो मुझे ये पता करना कि यहां से यहां संख्याएं कितनी है। अगर स्टार्टिंग ऐसे रहती, ठीक है, 2, 4, 6 इस तरह से डॉट रही 26, अगर स्टार्टिंग 2 से रहती तो आप बताते कि 80 तक है ना, तो 80 में क्या हो जाएंगे, आधा सम संख्या हो जाएंगे, आधा विषम संख्या, 40 सम संख्या हो जाएंगे, 40 क्या हो जाएंगे, विषम संख्या। लेकिन स्टार्टिंग कहां से दिया गया, 28 से दिया गया, तो इससे पहले कितनी संख्या है, देखिए इससे पहले कितनी संख्या होंगी, 13 संख्या है, इससे पहले कितनी संख्या है, अगर ये 26 है तो आप इसका क्या करिए, आधा करिए, यानी इतनी इस यहां से यहां संख्या कितनी है, 13। तो करना कि आप टोटल संख्या में से क्या करिए, टोटल कितना है, 40 है, 40 में से क्या करना, आपको 13 घटा लीजिए। अगर आप 40 में से 13 घटा लेंगे तो आपको ये पता चले यहां से यहां संख्याएं कितनी है, तो घटाइए यहां से, अगर आप इसको यहां से घटा लेंगे कितना बच जाएगा, 27 बच जाएगा, कितना बचेगा, 27 आपका बचेगा। अब इसमें क्या करें, 27 से मल्टीपल, इसको यहां से डिवाइड कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 2 × 5 = 10 हो जाएगा, 2 × 4 = 8 हो जाएगा। अब इन दोनों का आपस में क्या करना है, मल्टीपल करना है। अगर आप इन दोनों का आपस में मल्टीपल कर लेंगे तो कितना मिल जाएगा, 1458 आपको मिलेगा, 1458 आपको मिल जाएगा। इसका क्या गया आंसर आ गया। तो देखिए कौन सा मैच कर रहा है, 1458, तो डी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन से देखा जाए इसमें क्या दिया गया है, 21, 22, 23, 24, 78 और 75 का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें आपसे क्या पूछेगा, इन सभी संख्याओं का योग पूछेगा। तो सबसे पहले ये चेक करिए क्या इनके बीच का अंतर समान क्या है, तो मैं देख रहा हूँ एक एक का अंतर है, इन सब में कितने का अंतर है, एक एक का अंतर, अंतर देखिए समान है। योग के लिए क्या बताया मैंने आपको, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई टू कर लिए, इसको और इसको जोड़े कितना मिल जाएगा, इन दोनों क्या करिए आप जोड़ लीजिए, अगर आप इन दोनों को जोड़े कितना मिल जाएगा, 96 मिल जाएगा, कितना मिलेगा आपको, 96 आपको मिलेगा, 96 बाई कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब इनटू क्या करना, संख्याएं से गुणा करना। ठीक है, अगर स्टार्टिंग यहां से रहती, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से ये डॉटेड 20, अगर स्टार्टिंग एक से रहती तो आप यहां से कितनी संख्याएं बताते, 75 संख्या बताते, लेकिन इसकी पहली वाली संख्या क्या कर दी इन्होंने, हटा दिया, इसके पहले वाली संख्या क्या कर दिया, हटा दिया, कितनी संख्या हटा दिया, 20 संख्या हटा दिया। तो यहां से यहां देखिए संख्याएं पता करना, अगर यहां से लिया जाए तो सभी संख्या कितनी हो जाएगी, 75 हो जाएगी, लेकिन इसके पहले वाली संख्या हटा देंगे 20 संख्या, तो कितनी संख्याएं बचेंगी, आप इसमें से क्या करिए घटा लिए 75 से, अगर आप इसको यहां से घटा लें कितना बच जाएगा, 55, यानी यहां से यहां कितनी संख्या है, 55 संख्या है, आप इसमें 55 से गुणा करिए, इसको यहां से डिवाइड कर दिए कितने में करिए, 48 बार में कर जाएगा। अब इन दोनों का आपस में मल्टीपल कर लिए, अगर आप इन दोनों का आपस में मल्टीपल कर लेंगे तो कितना मिल जाएगा, 2640 आपको मिलेगा, ये इसका क्या गया आंसर आ गया 2640। तो बी ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन एट देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 3 के प्रथम 10 गुर्जों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें क्या पूछा गया, 3 के प्रथम 10 गुर्जों का योग पूछा गया, मतलब क्या करना आपको, 3 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ना आपको, 10 बार आपको पढ़ना है, ये 3 का टेबल आपको पढ़ना है। आप यहां से 3 एकम 3 हो गया, और 3 दुना 6 हो गया, 3 त्रिकोण हो गया, 3 चौक 12 हो गया, इस तरह से डॉट डॉट डॉट, और लास्ट वाला कितना मिल जाएगा, 3 दहा में 30 हो जाएगा। अब पूछा है कि इन सभी का योग पूछा है, तो सबसे पहले ये चेक करिए क्या इनके बीच का अंतर समान है क्या, तो मैं देख रहा हूँ 3-3 का अंतर है, सभी में कितने का अंतर है, 3-3 का अंतर, अंतर समान, आप यहां से क्या कर सकते हैं, योग बहुत ही आसान ट्रिक से बता सकते, करना क्या आपको, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई टू कर लिए, कितना मिल जाएगा, 33 मिल जाएगा, 33 का करना क्या, आधा कर लिए, संख्या हमको पता है संख्या कितनी है, 10 संख्या, आप इसमें 10 से गुणा करिए, इसको यहां से डिवाइड कर दो, 5 बार में कट जाएगा। अब इन दोनों का आपस में मल्टीपल कर लीजिए, अगर आप इन दोनों का आपस में मल्टीपल कर लें कितना मिल जाएगा, 165 आपको मिलेगा, ये इसका क्या गया आंसर आ गया। तो पहला ऑप्शन किसका मैच करा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन 9 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 6 के प्रथम 18 गुर्जों का योग ज्ञात कीजिए। इसमें क्या पूछेगा, 6 के प्रथम 18 गुर्जों का योग पूछे, यानी 6 का पहाड़ा आपको कितनी बार पढ़ना, 18 बार आपको पढ़ना है। तो पहला क्या मिल जाएगा, 6 कम 6 मिल जाएगा, 6 दुना 12, 36 18, इस तरह से आपको मिलेगा, मिलेगा। तो लास्ट वाला गुर्ज पता करने के लिए क्या करें, 18 6 90 18 6 कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा, लास्ट वाला गुर्ज आपको यही मिलेगा। अब आपको ये पता कि इनके बीच का अंतर समान है, ठीक है, इनके बीच का अंतर क्या है, समान है। तो करना के योग के लिए आपको फर्स्ट प्लस लास्ट बाई टू कर लीजिए। ठीक है, मुझे ये पता कि इनके बीच का अंतर क्या है, समान है, अगर अंतर समान है तो आपको करना क्या, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई टू कर लीजिए। अगर आप इन दोनों को जोड़ेंगे कितना मिल जाएगा, 114 मिल जाएगा, बटा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब इनटू क्या करना, संख्याएं से गुणा करना, संख्याएं भी मुझे पता कितनी संख्या है, 18 से, आप इसमें 18 से मल्टीपल करिए, इसको यहां से डिवाइड कर दो, 9 बार में कट जाएगा। अब इन दोनों का आपस में मल्टीपल कर लीजिए, तो 9 चौक कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, और 9 कम 9, 9 3 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 9 1 कम 9 1 हासिल कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या गया आंसर आ गया, अर्थात आप बता सकते हैं कि 6 के प्रथम 18 गुर्जों का योग कितना हो जाएगा, 1026 होगा। तो सी ऑप्शन किसका मैच करा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन 10 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 36, 42, 48, 90, 96 का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें क्या पूछा गया, इन सभी संख्याओं का योग पूछा गया। तो सबसे पहले ये चीज करिए क्या इनके बीच का अंतर समान है क्या, तो मैं देख रहा हूँ 6-6 का अंतर है, इनके बीच का कितने का अंतर है, 6-6 का अंतर है। हम ये कह सकते हैं, हमको देखिए 6 का टेबल भी तो दिख रहा है, इनके बीच का क्या अंतर समान, अगर अंतर समान तो करना क्या, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई टू कर लीजिए। योग के लिए क्या करना आपको, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई टू कर लीजिए। अगर आप इन सभी संख्याओं को जोड़ेंगे, यानी इन दोनों को जोड़ेंगे, तो कितना मिल जाएगा, पीछे जोड़े 6-6 12 हो गया, 12 की 2 हो गई, और 9 3 12 बारह कितना हो गया, 13 हो जाएगा, यानी कितना मिलेगा आपको, 132 आपको मिलेगा, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई टू कर। अब इनटू क्या करना आपको, संख्याएं से गुणा करना है, और ये देखिए 6 का टेबल आपको दिख रहा है। ठीक है, तो क्या करना आपको, यहां से यहां पता करना कितनी संख्याएं हैं। तो कैसा पता करेंगे, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। ठीक है,
अगर देखिए इस तरह से रहा, जैसे 6 × 6 हो गया, 6 × 2 = 12 हो गया, और 6 × 3 = 18 हो गया, इस तरह से रहता है, और 6 × 5 = 30 रहता है। अब लास्ट वाले में क्या करें, 6 से भाग दें। अगर 6 से भाग देंगे तो कितनी बार भाग जाएगी, 6 × 6 हो गया, 3 × 6 = 36, यानी अगर यहाँ से पता करना, यहाँ से यहाँ देखिए कितनी संख्या है, 96 तक कितनी संख्या है, 16 संख्या, यानी यहाँ से यहाँ कितनी संख्या है, 16 संख्या है। लेकिन इससे पहले वाली संख्या मुझे क्या करना है, हटा देना है। कहाँ से लेना, मुझे यहाँ से लेना है। तो इसकी पहले संख्या कितनी होगी, 6 × 5 = 30, यानी इससे पहले कितनी संख्या आएंगी, 5 संख्या। तो करना क्या, 16 में से क्या करिए, 5 घटा दीजिए, 16 में से 5 घटा दें, कितनी संख्या है पता चलिए मुझे, 11 संख्या है पता चलिए। ठीक है, दूसरा तरीका बता रहा हूँ आपको पता करने का। ठीक है, ये इसका पहला तरीका पता करने की, यहाँ से यह संख्या कितनी है, और दूसरा तरीका आपको बता रहा हूँ कि यहाँ से यह संख्या कितनी है। ठीक है, तो करना क्या, सबसे पहले क्या करें, आप इसमें 6 का टेबल दिख रहा है, इसमें 6 से भाग दिए, तो भाग कितनी बार जाएगी, यहाँ से 16 बार जाएगी। अब इसमें 6 से भाग दिए तो कितनी बार भाग जाएगी, 6 × 6 = 36, 6 बार गई। अगर आप इसमें 6 से भाग दें, कितनी बार भाग गई, 6 बार गई। तो करना है कि इससे कम करिए, इससे कम कितना मिलेगा, 5 मिलेगा, इसमें से 5 आप क्या करिए, घटा दें, तो कितना मिल जाएगा, 11 संख्या आपको मिल जाएगी। ठीक है, इस तरह से भी आपको 11 संख्याएं मिलेंगी, या जो पहला तरीका मैंने आपको बताया आप उससे फॉलो कर लिए। एक बार सेकंड तरीका आपको फिर से बता दूं, करना कि इसमें 6 से भाग दे, भाग कितनी बार जाएगी, 16 बार जाएगी, इतना क्लियर है। अब इस वाले में क्या करना, 6 से भाग दे, भाग कितनी बार जाएगी, 6 बार जाएगी। अब इससे कम करिए, इससे कम कितना मिलेगा, 5 मिलेगा, 5 क्या करना आपको, 16 में से घटा ले, तो हमको ये पता चलेगा कि यहां से यहां संख्याएं कितनी है, संख्या हमको पता चले कितनी संख्या, 11 संख्या। अब इसको यहां से डिवाइड कर दिए तो कितनी बार में ये करिएगा, 2 × 6 = 12, 2 × 6 = 12। अब इन दोनों का आपस में मल्टीपल कर लीजिए, अगर आप इन दोनों का आपस में मल्टीपल कर लेंगे, इन दोनों का गुणा करिए, देखिए यहाँ से 11 × 6 = 66 हो गया, 11 × 6 कितना हो जाएगा, 66 हो जाएगा, और 11 × 6 = 66 और 6 कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। ये इसका क्या गया, आंसर आ गया। ठीक है, अर्थात आप बता सकते हैं कि इन सभी संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 726। तो बी ऑप्शन किसका मैच करा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 11 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 120, 135, 150, 150, 600 का योग ज्ञात कीजिए। इसमें क्या पूछा गया, इन सभी संख्याओं का योग पूछा गया। तो सबसे पहले ये चेक करिए कि इनके बीच का अंतर कितना दिख रहा है, तो मैं देख रहा हूँ 15 15 का अंतर, इनके बीच का कितने का अंतर है, 15 15 का अंतर है। तो करना क्या आपको, योग के लिए फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 कर लीजिए। ठीक है, आप यहां से लिख लीजिए, योग इक्वल टू कितना हो जाएगा, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 करिए, कितना मिल जाएगा, 720 बटा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब इनटू क्या करना, संख्याएं से गुणा करना। ठीक है, तो आपको ये पता करना कि यहां से यहां संख्याएं कितना है, और मुझे ये दिख रहा है कि देखिए 15 का टेबल सब दिख रहा है, 15 का टेबल दिख रहा है। तो करना क्या आपको, क्या पीछे मैंने तरीका आपको बताया, सबसे पहले आप इसमें क्या करें, 15 से भाग दीजिए। अगर आप इसमें 15 से भाग देंगे तो 15 × 6 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, यानी यहां से अगर ऐसे रहता, 15 × 15 हो गया, और 15 × 2 = 30 हो गया, 15 × 3 = 45, स्टार्टिंग 15 से रहती, तो यहां से यहां संख्या कितनी है, 40 संख्या। लेकिन मुझे क्या बताना है, यहां से यहां बताना है। ठीक है, तो मैंने पीछे क्या तरीका आपको बताया, आप इसमें 15 से भाग दीजिए, तो भाग कितनी बार जाएगी, 15 × 8 कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगी। जितनी बार भाग जाएगी, इससे क्या करना है, कम करिए, इससे कम कितना मिलेगा, 7 मिलेगा, 7 क्या करना आपको, 40 में से घटा दीजिए, अगर आप इसको घटा लेंगे कितना मिलेगा, 33 मिलेगा। ठीक है, अर्थात आप बता सकते कि यहां से यहां संख्याएं कितनी है, 33 संख्याएं। ठीक है, एक बार कैसे पता करेंगे, एक बार आपको फिर से बता रहा हूं। ठीक है, सबसे पहले क्या करें, आप इसमें 15 से भाग दीजिए, भाग कितनी बार जाएगी, 40 बार जाएगी। अब इसमें क्या करना आपको, 15 से भाग देना, जितनी बार भाग जाएगी इससे कम करिए, इससे के कम कितना मिलेगा, 7 मिलेगा, 7 को करने के 40 में से घटा दिए, मुझे ये पता चल जाएगा यहां से यहां संख्याएं कितनी, 33 संख्या। अब करना के इसका कैलकुलेशन करिए और आपका क्या देगा, आंसर आ जाएगा। इसको यहां से काट दिए, 2 × 3 = 6 हो गया, और 2 × 6 = 12। अब इन दोनों का आपस में मल्टीपल कर लीजिए। ठीक है, अगर आप इन दोनों का आपस में मल्टीपल कर लेंगे तो कितना मिलेगा आपको, 11,880 आपको मिलेगा। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो देखिए कौन सा मैच कर रहा है, 11,880, तो सी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है।